जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आजमगढ़ में इतनी बड़ी अभूतपूर्व सफलता के बाद अतरौलिया क्षेत्र पंचायत में आपको यह ऐतिहासिक जीत मिली, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जनता तैयार है और मीडिया ही दिखाई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, जिस तरह से पुलिस प्रशासन SDM और SP चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी स्थितियों में चाहे वो जिला पंचायत आजमगढ़ का चुनाव हो, चाहे अतरौलिया क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, हम यहाँ के सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों का और यहाँ की जनता का, नेता का, पार्टी का, संगठन का और हर वर्ग का, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं। उन्होंने एक तरफा और ऐतिहासिक जीत दिलाई। अगर इतना ये दमन न चलाते तो इनको प्रस्तावक भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं था। अगर बाप बेटे ना होते तो हो सकता है प्रस्तावक भी ना मिलता। तो हमें हर जाति का वोट मिला, हर धर्म का वोट मिला, हर समाज का वोट मिला। और यह वोट चंद्रशेखर यादव का व्यवहार और माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति जो एक आकर्षण व्याप्त है, जो लोग BJP से त्रस्त हैं, कोरोना काल हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा का दमन हो, उत्पीड़न हो, किसान परेशान हो, नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हो, लोग इंतजार में हैं। या आप देखे होंगे मेरे कार्यालय में चारों तरफ नौजवान ही नौजवान था। 2022 में जनता इंतजार कर रही है, अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अतरौलिया की चंद्रशेखर यादव की जीत यह साबित करती है कि जीत एक तरफा है। हमारे एक ब्लॉक को DM और SP ने जिस तरह से बेईमानी करके जिताने का काम किया है, हमारे लोगों के घरों पे छापा मारा गया, परेशान किया गया, पुलिस का प्रयोग किया गया, इसके बाद भी एक आध दौड़ से जीते हैं। हम उनसे कहते हैं ज़्यादा गुरूर में न रहें, आने वाला 2022 समाजवादी पार्टी का है। ये आपका पांचवा छठा कार्यकाल मिल रहा है, इस जीत के बारे में आप क्या कहें? इस जीत के बारे में हम अतरौलिया की महान जनता को, अतरौलिया के महान क्षेत्र पंचायत सदस्यों को और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जिन्होंने हमको समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया, उसके लिए उनको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अतरौलिया की इस महान जनता को, जिन्होंने हम जैसे इस युग के घुमक्कड़ और फक्कड़ आदमी को मांडी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बहुत बड़े प्रलोभन को लात मार करके जो विश्वास किया है समाजवादी पार्टी पे, उस पर हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि हम इस क्षेत्र के में सतत समरसता का वातावरण हो, भाईचारे का वातावरण हो और सतत क्षेत्र का विकास हो और लोगों के सुख दुख में हम ज़्यादा शरीक हों, यही हमारा उद्देश्य है। पांचवें कार्यकाल के रूप में ब्लॉक प्रमुख का शपथ लेते हुए आपकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र के लिए क्या होगी? पहली प्राथमिकता मैं आपको बता दिया कि समरसता, और उसके बाद हमारे क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि आदरणीय डॉक्टर संग्राम यादव द्वारा बनाया हुआ इस हॉस्पिटल में जो कर्मचारियों की कमी है, डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है, हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरी तरह से, यहाँ के जो व्यवस्था है, ट्रामा सेंटर है, सारी चीज़ों को किसी तरह से संचालित किया जाए। प्रमुख जी, जैसा कि आपका पांचवा कार्यकाल है, पांचवें कार्यकाल में आपके जीत का भी बहुत बड़ा अंतर है, तो ये जीत का श्रेय आप किसको देंगे? इस जीत का श्रेय हम अतरौलिया की महान जनता को, क्षेत्र पंचायत के महान सदस्यों को देना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।